हेलो फ्रेंड्स, सिल्कन स्टाइल्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक नए एपिसोड में आपका एक नए एपिसोड में सिल्क एंड स्टाइल के इस बार हम आपके लिए लाए हैं हैंड पेंटेड कुर्ता रहेगा सेमी स्टिच सिल्क पे। हैंड पेंटेड मतलब हाथ का काम, ब्रश आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, नो मशीन वर्क को हम लोग हमेशा नकारते हैं। ये टोटली जो वर्क है ये हैंडीक्राफ्ट है, हाथ के काम का है। तो इसके कलर्स ये सब हैं, लाइट्स कलर्स में है, ये कुछ ज़्यादातर लाइट कलर्स में ही मिलेंगे। इसमें फ्लावर पेंटिंग है, फिगर पेंटिंग है, मोटिव पेंटिंग है, तो तमाम तरीके की इसमें इंस्पायरिंग पेंटिंग भी है जिसकी डिटेलिंग हम आपको पीस पे जब हम आपको इस आर्टिकल में है जब दिखाएंगे तो आपको डिटेलिंग देंगे। तो बिना वक्त जाए किए हुए हम आपको इस आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। ये फर्स्ट आर्टिकल रहा फ्लावर पेंटिंग में। इसका बेस कलर जो है नेचुरल कलर है, इस पर पिंक फ्लावर पेंटिंग की गई है। ये देखिए, ये ऐसे आएगा। ये ब्रश आर्ट है, ब्रश पेंटिंग है। ये सिल्कन स्टाइल्स के बारे में आप लोगों का बार बार सुझाव होता है कि भाई आप एक नई वैरायटी के साथ आइए। ये एक नई वैरायटी है सिल्क में, टसर सिल्क पे हैंड पेंटेड सेमी स्टिच कुर्ता। लाइनिंग लगी हुई है, लेंथ इसकी 48 इंच, किसी भी साइज में एडजस्ट हो जाए। तो इसके कलर्स हम आपको फिर से दिखाने जा रहे हैं। हाँ, इसमें जो फ्लावर है उस कलर्स के आप बॉटम स्टोल्स दुपट्टास की क्वेरी अगर आप हो तो कॉम्बिनेशन इसका हम सेट करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, उपलब्ध करा देंगे। अदरवाइज़ अगर आप सिंगल यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंगल पीस यूज कर सकते हैं। साथ साथ आपको एक बार हम और बता दें पीसों के बारे में। अगर आप पीस दोबारा बनवाना चाहते हैं तो 20 से 25 दिन आपको वक्त देना होगा, टाइम देना होगा, तो सेम पीस आपको बना के हम आपको दे देंगे। ये सब डिज़ाइन जो हैं हम आपको फ्लावर पेंटिंग वाले ही दिखा रहे हैं जो कि मार्केट में काफ़ी इसकी डिमांड है। ये देखिए, हाँ, वॉशिंग गियर के भी बारे में आपको बता दें, ये ड्राई वॉश ही रहेगा। ये सब फैब्रिक जो है इसका बेस फैब्रिक सिल्क है, तो सिल्क की मेंटेनेंस जो है ड्राई वॉश ही रहती है, तो इसको ड्राई वॉश कराएं। प्राइस रेंज इसकी 2800 रहने वाली है। 2800 का टसर सिल्क में हैंड पेंटेड कुर्ता फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल है तो केवल सिल्कन स्टाइल्स के माध्यम से ही पॉसिबल है। ये बेस कलर इसका ग्रे है, इस पे ब्लैक कलर का पेंट किया गया है। इसमें जो भी कलर्स यूज किए गए हैं एक्रेलिक कलर्स यूज किए गए हैं, क्योंकि सिल्क है इसलिए हम आप दावा नहीं कर सकते, नहीं तो ये ऐसे कलर्स हैं कि कपड़े फट जाएंगे, कलर्स नहीं जाएंगे। लेकिन सिल्क है तो ड्राई वॉश मस्ट है, ड्राई वॉश ही करें इसको। प्राइस रेंज इसकी 2800 रहने वाली है। स्क्रीन पे आपको प्राइस दिख रही है। अदरवाइज अगर कलर्स या डिज़ाइंस के बारे में कुछ कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप के जरिए इसकी इमेज मंगा सकते हैं। ये देखिए, पिंक ब्लू के ब्रश मारे हुए हैं पहले, फिर उसके बाद पेंटिंग करके इस ब्रश के काम को और पेंटिंग के फ्लावर वाले काम को उभारा गया है। देखिए, ग्रीन पत्तियाँ, ये गुड़हल के फूल हैं। ये देखिए कलर्स वेरिएशन आपको हर पेंटिंग में अलग अलग ही मिलेगा, रिपीट कलर यूज़ नहीं करते।
हाँ आपके लिए हम रिपीट कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो। ये देखिए कलर्स वैरायटी के बारे में कोई भी सजेशन हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें। प्राइस रेंज के बारे में, प्राइस रेंज तो देखिए 2800 रहने वाली है जो कि काफ़ी रिजनेबल है मार्केट में। सिल्क पे हैंड पेंटिंग, एक आप छोटे से रुमाल आप कराने जाते हैं तो, स्केच कराने जाते हैं तो 1000 to 1500 का केवल उनका आर्टिस्टिक वर्क हो जाता है, मटेरियल आपका ही रहेगा। हम तो आपको सिल्क का कुर्ता दे रहे हैं, सेमी स्टिच करके लाइनिंग लगा के उस पर पेंटिंग करके 2800 का। ये देखिए ये जितने भी फूल पत्ती बने हुए हैं इसके साथ आप स्टोल दुपट्टा यूज़ करिए, उस कलर का बॉटम आप बोलते हैं बॉटम भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बॉटम कॉटन सिल्क का रहेगा या सिल्क का रहेगा वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें सूचित करें ताकि आपको हम इसके बारे में जानकारी दे सकें। ये देखिए फ्रेंड, इसका जो बेस कलर हमने नेचुरल ही रखा है, नेचुरल इसीलिए रखा है क्योंकि पेंटिंग का उभार अच्छे से आता है। जब हम पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग के कलर्स यूज करते हैं, मोटिव यूज करते हैं तो बेस कलर लाइट रहता है तो पेंटिंग उभरती बहुत अच्छी है, ब्राइट नहीं रखते। इस कॉम्बिनेशन को लोग पसंद अच्छे से काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोगों का अभी झुकाव इसी तरफ है, अदरवाइज इस तरीके की सजेशन है या आप अपने खुद की पेंटिंग बनवाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, लेकिन उसकी पेमेंट जो है एडवांस रहेगी। आप उसको एडवांस पेमेंट करेंगे तो ही हम आप उसको काम शुरू कर पाएंगे। अदरवाइज इस कलेक्शन में अगर आप ऑर्डर देते हैं तो 20 to 25 डेज में पीस ये बन जाएगा। कुछ कलर्स को हमने डार्क भी किया हुआ है और जो कलर को डार्क किया है सब ब्रश करके किया हुआ है, सब ब्रश के निशान भी मिल रहे हैं आपको। बिल्कुल ही रियल, कोई फेक नहीं, कोई स्क्रीन प्रिंट नहीं, हैंड पेंटिंग भी है ये तो। सिल्क पे हैंड पेंटिंग है, टसर सिल्क पे, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। फ्लावर पेंटिंग ही अभी हमारे कलेक्शन में ज़्यादा है क्योंकि मार्केट में इसकी ज़्यादा डिमांड है। ये देखिए ये कमल के फूल बने पड़े हैं, देखिए, और कलर्स वेरिएशन, कलर्स का चयन, बेस कलर का चयन, डाई का चयन बड़ी सोच समझ के किया जाता है ताकि पेंटिंग में जो उभार आ सके, पेंटिंग के कलर्स में उभार आ सके। ये देखिए सारे लाइट कलर्स में ही, ये देखिए रेंज आपको 2800 रहने ही वाली है, 2800 जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये सारे लाइट सेट्स हैं, अदरवाइज और अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो स्क्रीन पे हमारे जो नंबर हैं उस पर आप संपर्क करें। वीडियो कॉल पे भी हम आपको कलेक्शन दिखा देते हैं, उसके लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा। सारे कलेक्शन हम आपको वीडियो पे ही दिखा देंगे। ये देखिए ये सारे फ्लावर पेंटिंग है ना, लाजवाब है फ्रेंड्स। आराम से इसके साथ इसके कलर्स के आप बेस कलर के या फिर फ्लावर के पेंटिंग में जो कलर्स यूज किए गए उस तरीके के कलर्स में आप पैंट्स, प्लाजो, स्टोल दुपट्टा कैरी कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके के हैं। अगर नहीं है तो हम
हमसे बोली हम इसके कॉम्बिनेशन को सेट करेंगे, आपको इमेज भेज देंगे। लोग दोनों तरीके के कॉम्बिनेशन को सेट करते हैं, शॉप पे जो आते हैं वो सिंगल भी बाई करते हैं, अदरवाइज कलर्स पेंटिंग वाले जो भी कलर्स यूज किए जाते हैं उसके साथ के हम कॉटन सिल्क के पैंट्स, स्टोल्स, दुपट्टास भी मैचिंग करके उनको पूरा सेट बना के भी देते हैं। पसंद आपकी है, जिस तरीके में आपका झुकाव हो, अगर कॉम्बिनेशन बना के लेने में आपका रुचि हो तो आप कॉम्बिनेशन बना के भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये सिंगल पीस तो है ही। कुछ कलर्स, सारे कलर्स रिपीटेबल है, रिपीट कर सकते हैं, बट हमने टाइम आपको बता दिया, वो 22-25 डेज में रहेगा। ये देखिए, इस पे जितने भी टेक्सचर दिए गए हैं वो ब्रश के दिए गए हैं, ब्रश आर्ट है, ये ब्रश आर्ट है, हाथ का काम है, मशीन का काम नहीं है, स्क्रीन प्रिंट नहीं है। आप इसको स्क्रीन प्रिंट समझने की भूल ना करें। और साथ साथ कुछ अपनी भी पेंटिंग हो जिसके बारे में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, पेंटिंग हो, तो भी हम उस काम को भी, आपके ज़रूरत को भी पूरा कर देंगे, आपके सजेशन पे पेंटिंग भी कर देंगे। ये इंस्पिरेशन पेंटिंग है, ये फिगरेटिव है, फिगर के मोटिव अलग हैं, उसकी एक कहानी है, आर्टिस्ट की कहानी है, कलाकार के सोच की कहानी है। इस फिगर वाले में, फिगर वाले भी अगर आपको पसंद आते हैं ये भी रिपीट हो जाएंगे, सारे कलर्स रिपीट होंगे, बट टाइम 25 डेज कम से कम आपको देना पड़ेगा। ये रहा, सब पे टेक्सचर दिया हुआ है, बेस कलर हमने जो है लाइट ही रखा है, टसर का कलर रखा हुआ है। ये देखिए, फ्लावर्स में जो कलर्स यूज किए गए हैं उस कलर्स के आप आराम से पैंट्स, प्लाजो पहन सकते हैं, स्टोल इसके साथ बड़ा प्यारा लगेगा कॉम्बिनेशन में, अदरवाइज दुपट्टास भी हैं हमारे पास महेश्वरी टसर के, वो आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये फ्रेंड देखिए, और बेस कलर इसका ऑरेंज है, इस पे बांझ बना हुआ है, बांझ जाना जाता है अपने काम के प्रति, जो उनका एक ध्यान होता है, जो उनकी नज़र होती है, नज़र के लिए जाना जाता है। लोग कहावत कहते हैं कि हमेशा बांझ की नज़र रखो, काम पे फोकस करो। ये मोटिवेशनल पेंटिंग है, ये साथ साथ एक तरीके की इंस्पिरेशन है, एक तरीके का सुझाव है, एक तरीके का पेंटर या कलाकार के सोच का एक तरीके से सजेशन है कि आप अपने काम के प्रति बांझ की नज़र रखें। ये देखिए, ये फ्लावर पेंटिंग है, क्योंकि हम लोगों के कलेक्शन में ज़्यादातर फ्लावर पेंटिंग है, लोगों का झुकाव फ्लावर पेंटिंग की तरफ ही रहता है, अदरवाइज इसमें ही ज़्यादा हम लोगों का प्रोडक्शन रहता है। बेसिस का भी लाइट है, इसमें पत्तियां हैं, पत्तियों के कलर्स जो भी हैं उस कलर्स के आप दुपट्टा, स्टोल रख सकते हैं, और पूरी तरीके से सिल्क मार्क सर्टिफाइड है, और ये लेबल के पीछे जो है 100% ड्राई वॉश, ड्राई क्लीन, नॉर्मल वॉश नहीं करना है, ड्राई वॉश ही करना है। ड्राई वॉश इसलिए करना है क्योंकि सिल्क की मेंटेनेंस ड्राई वॉश ही की जाती है, एक अच्छे ड्राई क्लीनर के पास जाएं, ड्राई वॉश कराएं जो सॉल्वेंट से वॉश करता हो, पानी से इसको धोया नहीं जाता,
नहीं तो ये सिल्क खराब हो जाता है। ये देखिए, ये येलो का बेस मारा गया है, टसर सिल्क का इसका बेस है, इस पर येलो के ब्रश मारे गए हैं, टेक्सचर दिया गया है, फिर उस पर फ्लावर पेंटिंग की गई है। है ना अच्छी चीज, अगर हाथ के काम को अगर आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो ऐसे पेंटिंग आप पहनिए, अपने दैनिक परिधान में इसको शामिल करिए सिल्क पे। ये देखिए, ये लॉर्ड बुद्धा की पेंटिंग है टसर सिल्क पे, और ये लाइट पेंटिंग है, इनका चेहरा आधा दिख रहा है। ध्यानमग्न लॉर्ड बुद्धा पेंटिंग लाउड नहीं है, फिगरेटिव में लाउड नहीं है पेंटिंग ये, लेकिन पूरी तरीके से ये ध्यान में है, बैठे हुए हैं ध्यान में। तो अगर आप फिगरेटिव पेंटिंग पहनना पसंद करते हैं, लॉर्ड बुद्धा की पेंटिंग पसंद करते हैं, ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। नेक्स्ट आर्टिकल में आपको फिगरेटिव पेंटिंग में दिखाने जा रहे हैं। बेस कलर इसका लाइट कलर है, ये देखिए इसमें एक फिगर बना हुआ है, और वो फिगर एक सोचता हुआ व्यक्ति है, वो सोच रहा है, वो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर सोच रहा है। इस तरीके का मोटिव पेंटिंग में दिया गया है। तो जो भी इंस्पिरेशन पेंटिंग होंगी, जो फिगरेटिव पेंटिंग होगी, उस हर पेंटिंग का एक काम होगा, एक स्टोरी होगी। इस तरीके के पेंटिंग हम लोग सिल्क पे बनाए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में आपको हम नंदी पेंटिंग दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये नंदी पेंटिंग है, जिनको पशुओं पक्षियों से ज़्यादा प्रेम है, वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा लगाव है, उनके लिए है ये। उनको इस तरीके के पेंटिंग अगर जिनको पसंद है फिगरेटिव में पशु पक्षियों वाला, तो वो ये खरीद सकते हैं। कलर्स, पैंट्स एंड ट्राउजर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप हमसे सजेशन ले सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटल पेंटिंग है, जो सितारे, जो धुन बजते हैं, जो उसके जो निशान होते हैं वो दिखाया गया है। बेस इसका भी नेचुरल रखा गया है, और ज़्यादातर हमारा बेस नेचुरल रहता है। उसका मुख्य कारण है कि जब हम पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग का उभार अच्छी तरीके से आता है, पेंटिंग अच्छे से उसमें मोटिव समझ में आते हैं। देखिए, एक नेक्स्ट आर्टिकल में आपको फिर से दिखाने जा रहे हैं। ये भी एक नंदी पेंटिंग का है, बट इसमें इंस्पिरेशन अलग है। उसमें इंस्पिरेशन अलग था, इसमें इंस्पिरेशन अलग है, मुद्रा अलग है, मोटिव भी अलग है, मुद्रा अलग है, तो मोटिव भी अलग है। बेस कलर टसर है, इस पर येलो कलर का ब्रश मारा गया है, इसके बैकग्राउंड को चेंज किया गया है, फिर इसके बाद नंदी पेंटिंग की गई है। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर आप पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं तो इस तरीके की पेंटिंग के बने हुए कपड़े टसर सिल्क पे आप पहन सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा ग्रामीण परिवेश, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोकेशन होती है, परिवेश होता है, उसको दर्शाया गया है। दो ग्रामीण बैठे हुए हैं, उनके बगल में उनका पशुधन है। ग्रामीण में लोग पशु को पशु नहीं बोलते, पशुधन बोलते हैं, क्योंकि वे जीविका का उनका एक आधार होता है। इस तरीके का मोटिव है। ये ध्यान मग्न, ये प्रकृति के नेचर को दिखाया गया है इस पेंटिंग में।
ये प्राकृतिक रूप में आप बैठ के ध्यान मग्न कैसे हैं, ये मोटिव है। प्लीज़ आप मोटिव को समझिए, आप कलाकार के जो स्टोरी है उसको समझिए, साथ साथ सिल्क में हम लोग तो दे ही रहे हैं, पेंटिंग के मोटिव को भी आप समझिए। किसी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप दिए गए नंबरों पे आप जानकारी मांग सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि हमने बताया कि अगर आप पशु पक्षी लवर हैं, ये डाल पे बैठे हुए दो पक्षियाँ हैं, कितने सुंदर लग रही हैं। बस ऐसा लग रहा है कि जैसे ये निकल जाएंगी, चहचहाने लगेंगी, और सुबह या शाम जब ये चहचहाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। एक मोटर की शोरगुल और एक पक्षियों का जो चहचहाना होता है वो बड़ा प्यारा लगता है। और ये आप महसूस तभी करेंगे जब आप ऐसी जगहों पे जाएंगे सुबह और शाम के जो इनके कलरव होते हैं वो महसूस करेंगे। ये पेंटिंग है, एक लेडीज़ नृत्य कर रही है और खुशी का ये प्रतीक है, वो नृत्य कर रही है खुशी में। तो अपने खुशी को ये नृत्य के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, कर रही है, पेंटिंग के द्वारा यही बताया गया है। इसका बेस कलर नेचुरल रखा गया है और ज़्यादातर नेचुरल ही रखा गया है। फ्रेंड्स, इस पेंटिंग में आप देखिएगा कि घोंसले में अंडे भी दिख रहे हैं। एक माँ अपने अंडे को, उसमें होने वाले चूजे को सुरक्षित निगाहों से देख रही है, सुरक्षित जगह पे खड़ी होकर, किसी तरीके का कोई इसका नुकसान न करे वो उसकी रखवाली कर रही है। साथ में पेड़ भी है, मतलब ये पौधे पे लगा हुआ है, ये घोंसला है, तो पौधे की खूबसूरती भी दिख रही है। ये देखिए, इसमें प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ, अगर आप प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं तो ये पेंटिंग में आप जो है प्रकृति के साथ, अगर आप जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक नज़ारों के साथ आपका अनुभव अच्छा है या आप अनुभव लिए हैं, तो आप इस पेंटिंग के मोटिव को बड़े आसानी से समझ सकते हैं, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक ध्यान की मुद्रा है। जब आप जाएं एकांत, ये एकांत में जो आपकी मुद्राएं होती हैं या जो एकांत में खड़े होते हैं, ध्यानमग्न होते हैं, ये वो मुद्रा है। नेक्स्ट आर्टिकल में आपको हार्स दिखाने जा रहे हैं, एक लेडीज के साथ। इन दोनों का सामंजस्य है, वो दुलार रही है, ये उनका पालतू भी हो सकता है। अब ये कलाकार की क्या सोच होगी वो तो वही बता सकता है, बट इसमें एक महिला है और साथ में एक घोड़े को दुलार रही है। फिगरेटिव पेंटिंग भी पसंद किए जाते हैं, जैसे हमने बताया कि फ्लावर पेंटिंग ज़्यादा पसंद किए जाते हैं फिगरेटिव की तुलना में, तो फिगरेटिव पेंटिंग भी समझ में आता है, मोटिव लोगों को समझ में आ जाए। ये देखिए, ये भी देखिए, ये अदृश्य पेंटिंग है। इसमें मोटिव दिखाया गया है, एक लेडीज है, उनके सर पे दिखाया गया है कि कुछ प्राकृतिक फूल बने पड़े हैं। इससे ये दर्शाया जा रहा है कि ये इनको बागवानी का ज़्यादा शौक है, ये बगीचे में अपनी खड़ी हैं और तमाम तरीके के फूलों के बारे में, पुष्प के बारे में सोच रही हैं, यही उनके दिमाग में चल रहा है, वही पेंटिंग में दिखाया गया। ये लास्ट पेंटिंग है, मॉडर्न पेंटिंग है, लेडीज़ को दिखाया गया है एक डिफरेंट इमेज में, डार्क कलर, इसका बेस कलर डार्क किया गया है, इमेज में दिखाया गया है। ये भी एक खुशी का प्रतीक है, इसमें अति उत्साहित होकर वो डांस कर रही हैं, लेकिन
प्रस्तुति जो है वो मॉडर्न पेंटिंग की प्रस्तुति है। अगर आप मॉडर्न पेंटिंग के लवर्स हैं तो आप भी बहुत पसंद आएगा, ये आर्टिकल बहुत पसंद आएगा। इस तरीके की अगर पेंटिंग आपको रिपीट करनी है, इस तरीके के कलर्स आपको और चाहिए, तो आप 20-25 डेज में आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इस एपिसोड में, हैंड पेंटिंग वाले एपिसोड में, ये लास्ट पीस था। और वीडियो को आप से अनुरोध है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप करके ना देखें। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। किसी भी तरीके का कोई सुझाव हो, सजेशन हो, उस पर वर्कआउट किया जाएगा। और हमारे चैनल्स को ढेर सारा प्यार दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ साथ वीडियो पूरा देखने के लिए सिल्क एंड स्टाइल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हाजिर होते हैं एक नए एपिसोड में एक नई चीज़ों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।